तो एक बार फिर से आप सभी का इस नए चैनल एजुकेशन वाला एम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक और ऐसे टॉपिक पे जो सभी के लिए अनिवार्य है। वो कंपटीशन की तैयारी करे या रेगुलेशन क्लास कर रहे, रेगुलर क्लास कर रहे हो, उनके लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। जो कि हमें देखेंगे हमारे देश के राष्ट्रपति, जो भी 1950 से लेकर और आज तक जितने भी हमारे राष्ट्रपति हुए हैं, उनका हम नाम एक छोटे से ट्रिक से हम देखेंगे। तो देखते हैं क्या है ट्रिक। सामने कुछ बोर्ड पे हम लिखे हुए हैं, इसमें लिखे हुए कुछ ट्रिक है, देखिएगा। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली पर्णव राम की। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो लिखे हैं इसमें, राजू की राधा जाकर, जाकर जो है उस पर लिखे हुए दो, और फिर यहाँ पे फखरुद्दीन रेड्डी इस पे लिखे हुए तीन। तो ये जो लिखे हुए हैं इसका हम आगे चर्चा करेंगे वीडियो में। उसके पहले देख लेते हैं इस ट्रिक से क्या है, कैसे, कौन से राष्ट्रपति का नाम कौन से ट्रिक से होगा, फिर उसके बाद ट्रिक की सब देखेंगे, फिर राष्ट्रपति का नाम देखेंगे पूरा, फिर उसके बाद देखेंगे कार्यकाल उनका क्या है। तो आते हैं, पहला जो मेरा शब्द आ रहा है राजू, राजू, राजू से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1962 तक रहा। एक मात्र वैसे राष्ट्रपति जो दो बार कार्यरत हुए राष्ट्रपति के पद पे। अब आते हैं राधा, सेकंड जो नंबर में आ रहा है शब्द राधा, राधा से हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जिनका कार्यकाल 1962 से 1967 रहा। फिर हम आते हैं जाकर, तीसरा जो शब्द है जाकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन उनका पूरा नाम हो जाएगा, जो कि हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति हुए और उनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा है। एक ऐसे राष्ट्रपति, मात्र एक ऐसे राष्ट्रपति जो 2 साल तक ही राष्ट्रपति के पद पे रहे। फिर उसके बाद आते हैं गिरी, गिरी से हो जाएंगे वीवी गिरी, वीवी गिरी उनका कार्यकाल 1969 से 1974 रहा। नेक्स्ट जो शब्द है मेरा फखरुद्दीन, फखरुद्दीन से हो जाएंगे फखरुद्दीन अली जिनका कार्यकाल 1974 से 1977 रहा। जो एक ऐसे राष्ट्रपति जो कि मात्र 3 सालों के लिए राष्ट्रपति पद पे कार्यरत रहे। फिर आगे आते हैं रेड्डी, इनका हो जाएगा जो पूरा नाम होगा, जो राष्ट्रपति के नाम होंगे, नीलम संजीव रेड्डी, जो छठे नंबर जो राष्ट्रपति बने वो है नीलम संजीव रेड्डी, इनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1982 तक रहा है। फिर आते हैं जेल, जो सातवां शब्द आ रहा है मेरा जेल, जेल से हो जाएंगे ज्ञानी जैल सिंह जिनका कार्यकाल 1982 से 1987 रहा। फिर आते हैं रमा, आठवां शब्द है रमा, जिससे हो जाएंगे रमा शंकर वेंकट रमन जिनका कार्यकाल 1987 से 1992 रहा है। नेक्स्ट में आते हैं शंकर, 9वें नंबर पे जिनका नाम हो जाएगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जिनका कार्यकाल रहा है 1992 से 1997। फिर हम आते हैं 10वें नंबर, नारायण, 10वां नंबर जो शब्द है वो आ रहा है नारायण, नारायण यानी के आर नारायण जिनका कार्यकाल 1997 से 2002 तक रहा है। के आर नारायण का कार्यकाल 1997 से 2002 तक रहा है। फिर हम आते हैं कलम, कलम यानी कि जो नेक्स्ट शब्द आ रहा है हमारे ट्रिक में वो है कलम, कलम से हो जाएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे, अब्दुल कलाम जिनका कार्यकाल 2002 से
2007 तक रहा है। नेक्स्ट में आते हैं प्रतिभा, जिनका हो जाएगा पूरा नाम श्रीमती प्रतिभा पाटिल, 2007 से 2012 एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो कि महिला राष्ट्रपति बनी पहले, 2007 से 2012 तक रही। उसके बाद आता है प्रणव, नेक्स्ट जो शब्द है प्रणव, यानी इससे हो जाएंगे प्रणब मुखर्जी, श्री प्रणब मुखर्जी, जिनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा। प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 2012 से 2017। उसके बाद आते हैं राम, प्रणब राम यानी रामनाथ कोविंद, जो नेक्स्ट राष्ट्रपति हैं वो हो जाएंगे रामनाथ कोविंद, जिनका कार्यकाल 2017 से 2022 तक रहा। उसके बाद जो लास्ट आता है, जो वर्तमान में अभी हमारी राष्ट्रपति देश की है, वो है पद यानी द्रौपदी मुर्मू, जो कि दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है और ये आदिवासी राष्ट्रपति भी है। दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी फिलहाल ही बनी है 2022 में और अभी कार्यरत ही है। अब आते हैं, देखते हैं जाकर पे दो लिखे हुए हैं, जो अभी आपको बताए हैं वीडियो में कि एक जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनका कार्यकाल 2 साल रहा, और उसके बाद फखरुद्दीन पे है 3, यानी कि फखरुद्दीन रेड्डी वैसे राष्ट्रपति जो मात्र 3 साल के लिए राष्ट्रपति पद पे कार्यरत रहे। अब उसके बाद आते हैं, इसमें कुछ और भी शॉर्ट नेम है, जैसे बीबी गिरी, के आर नारायण, डॉक्टर एपीजे। अब इनका फुल फॉर्म देखेंगे, पूरा नाम क्या है जो यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है। देखिए वीवी गिरी का जो पूरा नाम हो जाएगा वाराहगिरी वेंकट गिरी। क्या नाम होगा? वाराहगिरी, वीवी से वाराहगिरी वेंकट गिरी, जो कि ये तीसरे उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। दोस्तों उपराष्ट्रपति की बात हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन इसमें पहले हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की बात। उसके बाद के आर नारायण यानी कोचेरिल रामन नारायण, पूरा नाम हो जाएगा इनका, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, कोचेरिल रामन नारायण इनका पूरा नाम हो जाएगा। फिर आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या है? डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, क्या हो जाएगा? डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। तो दोस्तों हमारे देश के जितने भी राष्ट्रपति हुए उनको हम इस आसान ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। क्या, एक बार देख लीजिए, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रविशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली पन्ना राम की पद, यानी क्या है? राजू की राधा, राजू राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी जेल, रविशंकर नारायण कलम प्रतिभा पन्ना राम पद, यानी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल, श्री रविशंकर विकेट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उसके बाद श्रीमती प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। ये था आज का हमारा वीडियो, पूरे राष्ट्रपति को याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।